हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो मार्केट लगातार गिर रहा है, वहीं पर लास्ट 3 दिन से लगातार लर्निंग आपको दे रहे हैं कि मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के लेवल पर क्या चल रहा है, जो क्लियर कट बता रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट बन सकती है। और आज भी हम लाइव मार्केट में आए, क्योंकि आप लोग कैसे क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, बट हमने आपको पहले भी वॉर्न किया था कि वर्ल्ड मार्केट में किस तरीके से गिरावट बन सकती है। परसों भी वीडियो बनाई थी, आज भी लाइव मार्केट में आए और आपको क्रिस्प क्लियर बताया कि 19,200 के नीचे मार्केट कमज़ोर हो सकता है, जो आपने लाइव प्रूफ के तौर पे देखा। उसके अलावा अगर आप देखें व्हाट्सएप चैनल पे हमने लर्निंग दी, तो हम अपने साइड से लर्निंग देने में कोई कमी नहीं करें, बशर्ते आप उस लर्निंग को ले पा रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आप सोचते हो टिप्स से कभी पैसे नहीं कमा सकते, टिप्स सिर्फ होटल में मिलती है और टिप्स के कारण ही लोग लॉस में। हमारा काम एजुकेट करना है, हमारा काम आपको बताना है। क्योंकि अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, मंडे को जो मार्केट गिरावट हुई उसमें बॉन्ड यील्ड ने योगदान किया, करेक्ट, और आज जो मार्केट में गिरावट हुई उसमें एक और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ने योगदान किया। अब ये छोटी छोटी लर्निंग अगर हमारे पास रहे तो आप खुद का बॉस बन के क्या, जब आपको पता हो कि 19,200 का एक मेजर लेवल है और वो टूटेगा तो पैसा बनेगा, आप क्यों नहीं बेचोगे और क्यों नहीं कमाओगे, राइट? वहां पर किसी से पूछने की क्या जरूरत है? तो ये सारी चीजों को आज हम संजोने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, बस अर्थे लास्ट तक देखिएगा। वहां पर बॉन्ड यील्ड वाला फैक्टर के लिए पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैंने बनाई थी, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि अभी मार्केट जो पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक पे चल रहा है, वहां पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लगाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही लर्निंग और अर्निंग की वीडियो बनती है। तो जैसा कि लगातार 5वें दिन गिरावट देखी, ग्लोबल लेवल पर मार्केट में गिरावट अलग है जिसके कारण आज मार्केट टूट गया। वहां पर अगर आप देखो तो आज गैप अप खुला था। गैप अप क्यों खुला था? क्योंकि बॉन्ड यील्ड कूल हुआ था, और बॉन्ड यील्ड कूल हुआ था तो यूएस मार्केट में आपने तेजी देखी, बट आज जब ग्लोबल मार्केट कमजोर रहे तो यहां पर भी गिरावट देखी। तो सेंसेक्स 522 पॉइंट गिरकर 64,000 के पास मोटा मोटा बंद हुआ। निफ्टी भी 159 पॉइंट के गिरावट के बाद 19,122 पॉइंट पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर में आपने गिरावट देखी। बैंकिंग आईटी सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली देखी, क्यों देखी उसका भी रीजन है बताएंगे। तो अगर 5 दिन की गिरावट से देखें तो 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितना? 15 लाख करोड़। अब ये समझते हैं बहुत बड़ी रकम होती है। तो हम इस मैक्रो इकोनॉमिक को तो देखेंगे। लास्ट में एक नया डेटा लेकर आए हैं, वो नया डेटा है कि रसिया यूक्रेन के समय मार्केट कितने दिन गिरा था और निफ्टी में कितने पॉइंट की गिरावट हुई थी। क्योंकि आपको पता है रसिया यूक्रेन तो अभी भी चल रहा है, तो कितने दिन इम्पैक्ट लिया डे वाइज और निफ्टी के पॉइंट वाइज। और अभी इसराइल और हमास चल रहा है तो डे वाइज कितना है और क्या पॉइंट तक गिरा है, उन दोनों की एक यूनिक एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगाजी, इन्होंने कहा कि इसराइल हमास जो युद्ध है ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल इकोनॉमी को और ग्लोबल ग्रोथ को बहुत इम्पैक्ट दे सकता है, बहुत बड़ा, और दुनिया एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जो भी चल रहा है और इसराइल और गाज़ा में, यहाँ पर बहुत ही अनदर लेवल पर इम्पैक्ट आने वाला है और इकोनॉमी पर भी गहरा प्रभाव छोड़कर जाएगा। देखिए, वॉर जब होती है तो डेफिनेटली यही होता है, सही गलत कुछ नहीं रहता, फिर वॉर होता है जिसमें बहुत नुकसान होता है। चलिए बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। अभी 17 दिन मोटा मोटा हो गए हैं, याद रखिएगा वॉर कंटिन्यू है। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट और आ रहा है लोगों का मार्केट की गिरावट में, वो भी मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि अगर आपको पता हो तो असेंबली इलेक्शन है, उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट तक मार्केट एक साइडवेज रह सकता है। लेट्स सी, अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं वन बाय वन और पॉइंट को समरी लाते हैं। तो हेवी सेल ऑफ अगर आप देखो तो स्मॉल कैप इंडेक्स आज के दिन में बुधवार को 1.45% गिरा है, और अगर हम बात करें इस वीक की तो मोटा मोटा स्मॉल कैप स्टॉक 2,330 पॉइंट गिरा है, मिड कैप इंडेक्स अराउंड 1,240 पॉइंट गिरा है। अब ऐसा क्यों? पहले भी तो गिरावट होती थी, स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी बंपर हेवी सेलिंग। तो देखिए,
ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप बम्पर रिटर्न दे चुके थे, तो बम्पर रिटर्न दिए तो वहाँ से जो ये वॉर की कहानी, स्ट्रांग यूएस डॉलर की कहानी, एफआईआई सेलिंग की कहानी, Q2 के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एस्टिमेट के नीचे आ रहे हैं, महंगाई बढ़ने की कहानी, ये सब मिलकर एक इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे तो डाले ही डाले, वहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप की भी धपाके पिटाई हुई। आई बात समझ में? यूएस बॉन्ड यील्ड सास बहू का रिश्ता है, वो सास बहू का रिश्ता हम चुके एक्सप्लेन कर चुके हैं तो उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, बस ये समझिए कि बॉन्ड यील्ड जब ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे आता है। 5% हो गया था जो 2007 का लेवल था, उसके बाद 2008 में मार्केट में गिरावट हुई थी। तो ये जो सास बहू का रिश्ता है, और बॉन्ड यील्ड जैसे ही थोड़ा नीचे आ जाएगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि 4.87% आया, तो फ्राइडे को क्या हुआ यूएस मार्केट में आपने, सॉरी मंडे को क्या हुआ यूएस मार्केट में आपने क्या देखा, तेजी देखी, जिसके कारण आज आप थोड़ा गैप अप खुला हुआ मार्केट देखे। तो ये इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पर डांस कर रहा है। अब उसमें हम आपको बोले थे आज एक और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जिसके कारण सारा खेल हुआ है, उसको हम इंक्लूड करते हैं, और वो है राइजिंग यूएस डॉलर इंडेक्स। यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वापस से अपने साइकोलॉजिकल लेवल 106 लेवल को छू चुका है। आज के दिन ऐसा हुआ है, जैसे मंडे के दिन बॉन्ड यील्ड में 5% का लेवल छुआ था, वैसे ही आज ये हुआ है, और इसने इंडियन मार्केट में हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर्ड कर दिया। अब आप कहोगे ये क्या है, बॉन्ड यील्ड तो आपने उस वीडियो से सिखा दी, इसको सिखा दीजिए। तो इसको सिखा देते हैं कि भैया डॉलर इंडेक्स क्या है। दुनिया की 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी को संकेत देने वाला इंडेक्स है। इसमें उन देशों की करेंसी को शामिल किया गया है जो अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, ठीक है, यूरो, जापानी येन, कनाडाई डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक। और इन करेंसी को उनकी अहमियत के हिसाब से अलग अलग वेटेज दिया गया। तो मैं ज़्यादा वेटेज के डिटेल में जाऊंगा नहीं, नहीं तो फिर वीडियो लंबी होगी। सबका अलग अलग वेटेज है, जैसे आप निफ्टी में देखते हो ना किसी का अलग अलग वेटेज है, बैंक निफ्टी में अलग अलग वेटेज है, वैसे ही कहानी है। तो डॉलर इंडेक्स जितना ऊपर जाता है डॉलर को उतना मजबूत माना जाता है, जबकि इसमें गिरावट का मतलब है कि अमेरिकी करेंसी दूसरे के मुकाबले क्या हो रही है, कमजोर पड़ रही है। अब यहां पर हमने हिस्ट्री को खंगाला शुरू से लेके अभी तक, तो अपने इतने वर्षों के इतिहास में डॉलर इंडेक्स मोस्टली 90 से 110 के बीच में रहा है, लेकिन 1984 में ये बढ़कर 165 तक भी गया था, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, और 2007 में ये 70 तक भी आया था, जो सबसे लोएस्ट लेवल है, भूलिएगा मत इस बात को, ठीक है। और 106 आना, मतलब चूंकि 190 से 110 रहता है तो 106 तक आया, तो क्या हो गया, एक अलार्म, करेक्ट। तो कैसे अलार्म, हमारे लिए वो समझना जरूरी है, उस पर हम आएंगे। अब आप कहोगे इसमें 6 ही करेंसी है तो इतना लोड क्यों, देखिए इसमें 6 करेंसी है लेकिन दुनिया के सभी देशों की नज़र इस पे है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है, और न सिर्फ दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है, बल्कि तमाम देशों की सरकार के जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसमें भी डॉलर प्रमुख करेंसी है। आई बात समझ में, चाहे हम हो या कोई दूसरी करेंसी हो। तो यहाँ पर हमारे इंडियन, अब मैं हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट और डॉलर इंडेक्स में इनवर्स रिलेशन, उल्टा, वापस से सास बहू वाला। तो कहानी क्या है, अब डॉलर इंडेक्स अगर गिर रहा है, दोनों बातें करते हैं, अभी तो बढ़ा है ना, तो पहले गिरते हैं, गिर रहा है तो FII कर क्या करेंगे, इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डॉलर से ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, ठीक है। वहीं पर अगर डॉलर वैल्यू बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे, जो कि अभी हो रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, FII लगातार पैसा निकाल रहे हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट को ज़बरदस्त हिट करते हैं जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं कमेंट में बताइए। देखें आप कितने एजुकेट हैं, कितने मार्केट को ट्रैक करते हैं, क्योंकि अपने खून पसीने की कमाई स्टॉक मार्केट में तो लगाते हैं, तो फिर कौन सा है कमेंट में बताइए। तो ये वो लर्निंग है जिसके कारण आज जब मार्केट में ये 106 के लेवल को टच किया तो फिर तो भैया मार्केट रुका नहीं, गिरता गया। वीडियो को जल्दी से लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और वो सेक्टर के नाम भी आपने कमेंट में बता दिए होंगे। तो ये रीज़न तो पहले आपको समझ में आ गई,
अब अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं और मिस कर रहे हैं कि मैं लेवल मिस कर गया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं आता हूं उस इंटरेस्टिंग डेटा पे जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। जिक्र क्या था? रसिया यूक्रेन वॉर के समय पूरा मार्केट 9 दिन तक गिरा था। कितने दिन तक? 9 दिन तक, 9 डेज। और उस 9 डेज में निफ्टी का हाई था 17,220 और वहां से लो लगाया था 15,990। और वहां पर अगर हम देखें तो अभी तक 1230 पॉइंट गिरा और 1230 पॉइंट गिरने के बाद रिकवर कर गया। आई बात समझ में? दिमाग में रखिएगा। अब अगर हम इस कहानी पे आते हैं, आज वाली कहानी पे, कि आज जो जहां हम खड़े हैं हमास वाली कहानी में, यहां पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ी सी अलग चाल है। अलग चाल क्या है कि जब इसराइल और हमास शुरू हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना लंबा खींचेगा, जो कि लगातार मीडिया आर्टिकल्स भी आ रहे थे। बट जैसे जैसे ये खींचता गया और अदर कंपनियां साइड में, अदर कंट्री साइड में आके सपोर्ट गेम स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट ने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो गैप डाउन खुला और उसके बाद रिकवर हुई। और जब मामला सेट हो गया कि ये क्लियर कट था कि ये लंबा खींचेगा, लगातार बात आ रही थी, तो अगर हम उस लगातार वाले हिट के बारे में बात करें तो 19,849 का जो हाई था, 19,849 का जो हाई था, वहां से अगर आज का लो देखते हैं 19,074 का, तो गिरा है 775 पॉइंट। कितना गिरा है? 775 पॉइंट। अब इसमें हम क्या कह रहे थे कि अगर उस वॉर में देखें तो 1220 पॉइंट, तो 1220 पॉइंट में, 1230 पॉइंट में अगर हम गिना करें तो 455 पॉइंट कम गिरा है। अगर उस एंगल से हम देखते हैं तो 455 पॉइंट कम गिरा है। और उस 455 पॉइंट कम गिरने में अगर हम निफ्टी का, जैसे 19,200 का एक मेजर लेवल था जो टूटा है, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो 18,880 का है। आई बात समझ में? कौन सा लेवल है? 18,880 का। और वहां पर हमने क्या कहा, टोटल 9 दिन गिरा था, तो यहां पर अगर हम देखते हैं स्टॉप से तो 6 दिन गिरा है। अगर लगातार नॉन स्टॉप गिरा तो इधर से 3 दिन, अगर डे वाइज देखें तो 3 दिन बचा हुआ। निफ्टी के पॉइंट वाइज देखें तो 450 पॉइंट बचा हुआ। निफ्टी के सपोर्ट पॉइंट वाइज देखें तो 18,880 का लेवल, जो नेक्स्ट मेक और ब्रेक, जैसे कि 19,200 स्टेप बाय स्टेप था, वैसे ही नेक्स्ट मेक और ब्रेक 18,880 का, जो नेक्स्ट ट्रेंडिंग लेवल बनेगा। तो ये इस तरीके से कहानी है जहां पर हमें स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है। तो अगर अगर रसिया यूक्रेन जैसी कहानी हुई तो 400-450 पॉइंट, 3 दिन और सपोर्ट लेवल आपके सामने है। और रसिया यूक्रेन जैसी कहानी नहीं हुई और मार्केट और पेनिक किया तो 18,880 के नीचे और पेनिक है। बट अब आते हैं आपको क्या करना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो भैया जैसे आज 19,200 तोड़ा, आप बेच के पैसा कमाएं, एंजॉय, बढ़ेगा, खरीद के कमाएंगे, एंजॉय। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये समझिए मार्केट नीचे से इतनी बड़ी रैली करके एक आसमान पे चढ़ा हुआ है, तो ये गिरकर आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लिख के ले लीजिए। लिख के क्यों ले लीजिए? क्योंकि रसिया यूक्रेन आपको दिखा दिया। ऐसे किसी भी वॉर कंडीशन में चले जाइए, वहां पर जाके देख लीजिए, तो कोई भी गिरावट हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है, बशर्ते हम क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने 3-5 साल के विजन के लिए। तो अगर आपका 3-5 साल का विजन है तो पार्टी मनाइए कि दीपावली डिस्काउंट मार्केट में लग चुकी है, दीपावली सेल चालू है और उस दीपावली सेल को इंजॉय करना है और उस दीपावली सेल में शॉपिंग करनी है, अच्छी क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी। दीपावली सेल लगती है तो क्या चीज़ करते हो? कुछ भी खरीद लेते हो, वैल्यू फॉर मनी खरीदते हो, R&D करते हो, इस ऐप को देखते हो, उस ऐप को देखते हो, चार जगह मिलाते हो, घर में डिस्कस करते हो, तब जाके खरीदते हो। सेम कहानी स्टॉक मार्केट में करो, राइट? तो ये होगी लर्निंग। तो आई होप मैंने अपने अंदाज में हर कुछ को बिल्कुल मैंगो पीपल की भाषा में बताने की कोशिश की है। बस पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, बताइए कैसा लग रहा है भाई का कोर्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब हर एक IPO चाहे SME का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक IPO की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।